बेअदबी मामले नू लै के पंजाब दी सियासत दे विच कमासान मचिया होया है। विरोधियों वालों बादल परिवार ते बेअदबी दे दोषी होण दे इल्जाम लगदे आए ने, जिस तों बाद श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ते पोस्ट पा के सारे विरोधियों नू बेअदबी लई सबूत पेश करन दी चुनौती दे दित्ती सी, जिस तों बाद साबका मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पोस्ट पा के सबूत दिखाने की कोशिश की। हुण पुलाथ तो विधायक सुखपाल सिंह खहरा ने सुखबीर बादल नू सबूतां समेत घेर लिया है। सुखपाल खहरा ने अपने ऑफिशियल अकाउंट ते एक वीडियो पा के इस बारे वड्डे खुलासे कीते ने। की खुलासे तुसी आप ही वेख लवो। दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा, जिहड़ा सुखबीर सिंह बादल ने चुनौती दित्ती है ना सारे विश्व दे सिखां नू ते आगुआं दे नाम लैके कि अगर किसी को सबूत है गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां की गल की, सिर्फ हले बहबल कलां दे गोलीकांड की गल उन्होंने जानबूझ के नहीं की, अगर किसी को गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां का साढ़े खिलाफ सबूत है तो वह जनता की अदालत में रख। एक बड़ी सादी जी कहावत है कि एक चोरी तो उत्तों सीना चोरी, यह बिल्कुल ढुकती है छोटे सुखबीर बादल से। दूसरा है कि एक चतुर एक चोर तो एक चतुर नाले डाके मारे चोरियां कीतियां उलंघणावां कीतियां बेअदबियां कीतियां ते नाल इह बहुत चतुर बणदे ने ते लोकां नूं मूर्ख समझदे ने। मैं कल दा दिन सारा देखिया कि की आया इसका जवाब किसी ने दिता, तो मैं सारा झात मारी तो सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू ने एक पुरानी 2018 की एक वीडियो शेयर की जिसे जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट के तत्थ पेश किए उन्होंने, क्योंकि आफ्टरऑल एक जुडिशल इनकुआरी सी। उस तो अलावा कोई ओपोजिशन पार्टियां कोई आगू जिन्हां दे नाम लिए सुखबीर ने किसे ने इस गल दा आण के कोई उहदा जवाब देण दा दी कोशिश नहीं कीती। मैं तां सिर्फ एक सधारण जिहा व्यक्ति होण दे नाते इह ना समझे सुखबीर बादल के इह ताकतवार ने जां इहनां कोल बहुत पैसे आया सत सितारिआं दे होटलां दे मालक ने कि इहनां दा अग्गों कोई जवाब देण नूं तैयार नहीं। अज मेरे कोल सारे तत्थ ने, प्रॉपर रिपोर्ट तो चलो जी है ही, आफ्टरऑल एक जुडिशल इनकुआरी हुई है, जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की पूरी रिपोर्ट है, दो रिपोर्ट इनफैक्ट, ते नाल मैं बिल्कुल डेट्स दे के तत्था के आधार उत्ते इन्हों का पर्दाफाश करूंगा। थोड़ा जा मेरे नाल पेशेंस रखना, थोड़ा सबर रखना, क्योंकि अक्सर इस तरह की गल नू कहण नू इन्हों दा इन्हों नू शीशा दिखाउण वास्ते कुछ समा थोड़ा जरूर लग सकता। जिहड़ी जिन्नियां बेअदबियां होईयां ना जिहड़ियां पंजाब दे विच, आपां पहलां बेअदबियां दी गल करदे, उह मैं समझदा वां कि जिहड़ा इहदा मुढ सीगा जिहड़ी नफरत दे बीज बीजे गए इह उस वक्त सी जदों 2007 दे विच, जे मैं डेट कोट करां ठीक तां 11 मई 2007 नूं जिहड़ा इह डेरा सच्चा साध आ, सच्चा सौदा डेरे दा साध आ जिहड़ा, इसने गुरु गोबिंद सिंह जी दी पोशाक पहन के सलाबतपुरा बठिंडे दे डेरे दे विच बकायदा एक इकट्ठ नूं संबोधन कीता। उस वेले सिखां दीआं भावनावां बहुत बुरी तरह भड़कियां, क्योंकि ये जिहड़ा डेरे का मुखिया इहनूं इन्ना तां समझ होनी चाहिए एक सिख परिवार च पैदा होया कि मैं अपनी तुलना किसी भी गुरु के नाल, और खास तौर पर गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने पूरा परिवार वार दिता इंसानियत लई, उन्हां नाल तुलना नहीं कर सकता। पर क्योंकि इहदे हंकारिया होया सी अपने आप नूं रब समझदा सीगा ते इसने जिहड़ी अवज्ञा कीती, इह असल नफरत की भावना इहने आप बीजी उस दिन, और उस तो बाद सिखां ने इकट्ठे होकर इसका विरोध किया। सलाबतपुरे विखे 2007 विच ही एक बहुत वड्डी झड़प हुई प्रेमियां दी ते डेरे दे जिहड़े फॉलोअर्स आ ते सिखां दी, ते उहदे च एक आदमी मारिया गया ते 50 दे करीब आदमी जख्मी हो गए। यह एक बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट सीगा जिथों सिखां दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंच के ते पंजाब दे हालात जिहड़े बदल लग पए। इस तों बाद काफ़ी अरसा पहला बादलों की सरकार सी 2007 च, इन्होंने काफ़ी अरसा अवॉयड किया कि सानू डेरा मुखी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करनी पवे, क्योंकि इन्हों की पुरानी की कहिंदे हुंदे आ गंढ तुप हैगी आ डेरा सच्चा सौदे दे मुखीए दे नाल। बहुत सारिया तस्वीरां सोशल मीडिया ते तुसीं देखिया कि प्रकाश सिंह बादल भुंजे बैठा वा ते शायद सुखबीर सिंह बादल भी हाथ जोड़ के सामने उहदे खड़ा जिद्दां गुनाहगार खड़े हुंदे उहदी कचहरी विच, उह सारे तत्थ जिहड़े लोकां दी नॉलेज विच सीगे। तो फिर यह 2007 की जून
जून 2007 में जो लोगों का बहुत प्रेशर बढ़ गया, देखा कि सिख बहुत नाराज हो रहे हैं, एक FIR दर्ज की गई जिहड़ियां धार्मिक जज्बातों नूं भड़काउण लई लाई जांदी अक्सर धारा 295A दो तीन धाराओं के नाल होर जोड़ के एक FIR दर्ज की गई सिर्फ इस राम रहीम ते डेरा साध के खिलाफ। वह जिहड़ी FIR सी उदा ही पेंडिंग तुरी रही जिनी देर अकाली दल का राज रहा 2007 तो लैके 12 तक। 2012 की इलेक्शन तो पहला जनवरी 2012 की शायद 12 जनवरी की डेट हैगी, पुलिस ने एक कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल की सैशन कोर्ट बठिंडा दे विच जिथे यह FIR की जरा चलान पेश होया कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल कर। हुण सुखबीर सिंह बादल बड़े आराम नाल कह रहा जी उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन का राज चलता सी, इलेक्शन कमीशन इस तरह के फैसले ले सकती है? जे सुखबीर बादल बहुत शोर मचाउंदा कि सड़क बनाती बिजली पंजाब नूं मैं कर दित्ती, अगर वह फैसले ने तो जिहड़ा जनवरी महीने 2012 च कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल हुई जिहड़ी गुरु साहब की पोशाक पहन के अवज्ञा कीती सी उहदी जिम्मेवारी भी सुखबीर बादल तैनू लैनी पवेगी, तू भज नहीं सकता। और यह कैंसलेशन रिपोर्ट एक दिन नहीं फाइल होगी, अक्सर यह फाइल होम डिपार्टमेंट जिहड़ा होम मिनिस्टर सुखबीर बादल सीगा इह फाइल थल्यों चल के उपरों जाके थल्ले तक घट्टो घट तीन चार महीनों का प्रोसैस आ जो किसी के खिलाफ कोई अदालत में कैंसलेशन रिपोर्ट फाइल होनी होंगी है। तो 2012 की जनवरी नूं इलेक्शनां तो पहला इन्हां अखौती अकालियां ने जिहड़े अपने आप नूं कहिंदे असीं सिखां दे नुमाइंदे आ, इन्हां ने गुरु साहब दे नाल तुलना करन वाले बंदे दे जिहड़ी FIR सीगी प्रोसीडिंग सी बठिंडा सैशन कोर्ट दे विच इन्हां ने पुलिस वल्लों कैंसलेशन रिपोर्ट दायर करके उस नूं बाइज्जत बरी करवाउण दे वड्डे गुनाहगार सुखबीर सिंह बादल ने। इत्थे बस नहीं, इस तों बाद जिहड़ा दूसरा झगड़ा पिया आणके तुहानूं याद होवेगा कि एक कमला जिहा जिहड़ा डेरे दा साध हैगा इसने एक मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म बनाई सी MSG जिहनूं कहिंदे सीगे, और वह बड़ा अपने आप नूं समझदा सी कि सारे भारत विच मेरी फिल्म बड़ी चले क्योंकि मेरे बड़े पैरोकार ने, मेरे बड़े चेले चापटे ने, फिल्म बना के मैं कामयाब हूं। वह फिल्म नूं रिलीज नहीं सी हुण दिता जा रहा पंजाब दे विच, उस नूं बैन किया गया सीगा। उस फिल्म नूं रिलीज कराने के मकसद नाल प्रेशर बिल्डअप करन वास्ते फिर एक बकायदा तौर पर साजिश घड़ी गई। उस साजिश के तहत जिहड़े डेरा प्रेमी सीगे इन्हां ने जिहड़े पहलां तां एक जिहड़ा सब तों वड्डी अवज्ञा कीती कि पहली जून 2015 नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप चोरी हुंदा वा बुरज जवाहर सिंह वाले तो, यह कोई छोटी गल नहीं सी। अकालिया की सरकार होवे और गुरु ग्रंथ साहिब का सरूप चोरी हो जाए बुरज जवाहर सिंह वाले पिंड तो इन्हां दे कोई जूम ही नहीं सरकी, इन्हां ने बोदर भी नहीं किया खास के ठीक है चोरी हो गया वा। और यह चोरी किया गया सीगा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबिया का मुढ़ उत्थों शुरू होया सीगा ताकि पंजाब सरकार ते प्रेशर पाया जा सके कि साडी जिहड़ी वह बाबे की फिल्म आनी है MSG उस नूं पंजाब दे विच छेती तो छेती रिलीज कराया जा सके। इस तों अगे जिहड़ा 24 ते 25 सितंबर 2015 नूं बरगाड़ी विखे अते बुरज जवाहर सिंह वाले बकायदा तौर पर प्रेमियां ने पोस्टर लाए, वह गंदे भाषा के पोस्टर सीगे, उहदे तियां भैणां दीआं गाणां कढ़ियां सीगे तुहाडे गुरु नूं चक के लै जांगे, ऐं कर देंगे, ओह कर देंगे, जो कुछ भड़काऊ जुबान लिख सकदे सी उहनां पोस्टरां दे विच ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਨਾ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਅਤੇ 25 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ MSG ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਿਲਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 105 ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ SIT
अकालिया की सरकार वेले बनाई सी फर्जी जी एस आई टी बनाई सी उहदे वी जिहड़ा मुख हेड सीगा इंद्रप्रीत सिंह सहोटा जिहड़ा अडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीगा उन्हें अपने इस रिपोर्ट विच कोट किया गया 105 नंबर सफे ते कि जिहड़ी पुलिस सीगी उन्होंने दोषियों फड़न लई जिन्होंने पोस्टर लाए जिन्होंने नफरत फैलाउण दी कोशिश की इन्हां नूं फड़न वास्ते कोई विशेष उपराला नहीं किया। होम मिनिस्टर कौन सी पंजाब दा सुखबीर सिंह बादल। इस तों अगे जिदा मैं कहा कि गुरद्वारा साहब दे मैनेजर दी कोई स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड उस तों बाद जो इन्होंने कुछ भी नहीं किया तां 12 अक्तूबर 2015 नूं गुरु ग्रंथ साहब जी दे जिहड़े अंग सीगे ਉਹ ਖਿਲਾਰੇ ਪਏ ਸੀ ਰੋੜੇ ਪਏ ਸੀ ਪਾੜੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੇਟਰ ਔਨ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਬੂਲੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਇਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਪਟੈਂਬਰ 2015 ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜ਼ਰਾ 16 ਸਪਟੈਂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ PB02CB9513 ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਯੂਟਿਊਬ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੇ ਪਤਿਆ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਪਟੈਂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਰਵ ਧਰਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ
गलती की आ या मैनू को माफी दी जाए या मेरे खिलाफ जो हुक्मनामा जारी किया वापस लिया जाए। हिंदी में एक नरम जी चिट्ठी सी, उस चिट्ठी के आधार के उ 24 सितंबर मतलब 16 नूं इन्हां नूं सद्या गया चीफ मिनिस्टर की कोठी च। 24 सितंबर जथेदार अकाल तख्त ने एक एमरजेंसी मीटिंग सदी अपने जथेदारां दी अकाल तख्त साहब अमृतसर ते। सोल एजेंडा एक एजेंडा कि डेरा जिहड़ा सच्चा सौदा का साध आ इस नूं असीं माफ किया, इस नूं मुड़ खालसा पंथ दे विच शामिल करता। जिहड़ा हुक्मनामा सीगा असीं इहनूं कौम चों कढ़िया सीगा छेकिया सी उह असीं वापस लैंदे आ। एक हिंदी की चिट्ठी ते ना वह बंदा चल के आया अकाल तख्त, ना उस चिट्ठी में लिखा किते बिना माफी मंगण तो बिना माफी कहण तो लिखण तो पेश होण तो जथेदार अकाल तख्त ने 24 सितंबर 2015 माफ करता। स्वामी अग्निवेश की चिट्ठी जी अकाल तख्त साहब जी लैके हिंदी में पेश होया। इस तो बाद बहुत शोर मचा, सब नूं पता बहुत हाहाकार मची, सरबत खालसा भी होया, लखां आदमी उस सरबत खालसा दे विच पहुंचे। उतों पब्लिक प्रेशर तो डरदियां इन्हां ने फिर एक जिहड़ा उस तों पहलां मैं आ जाना 24 नूं इहनूं माफ कीता गया जी इस साध नूं, ते 25 सितंबर 2015 नूं मैसेंजर ऑफ गॉड MSG जिहड़ी फिल्म सीगी ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ 25 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ MSG ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ SGPC ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਚੋਂ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ 100% ਉਲਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਡਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ 295 ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਬਤੌਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2012 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਕੀਤੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਡਾਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੁਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਊਂਗਾ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ
और जथेदार दमदमा साहब के जथेदार गुरमुख सिंह नूं ते एक जथेदार मल सिंह नूं तुसी 16 सितंबर 2015 नूं चीफ मिनिस्टर की कोठी बुलाया सीगा कि नहीं बुलाया सीगा, ते जे बुलाया सीगा कि उत्थे माफीनामे की डायरेक्शन दिती गई सी कि नहीं दिती गई सी। यह दूसरा मेरा चुनौती इन्हां नूं है। तीसरा इन्हां नूं समन जथेदारां नूं सरकारी कोठी विच चीफ मिनिस्टर की तां बुलाया गया सीगा तां कि उहदी फिल्म जिहड़ी आ MSG वो पंजाब के थिएटर विच दुबारा उसनू लाया जा सके, उसनू आग्या दित्ती जा सके। यह गल सुखबीर सिंह बादल ते प्रकाश सिंह बादल दी अंदर अपनी आत्मा अच्छी तरह जानदी जो कुछ इन्होंने जिहड़ियां करतूतां कीतियां। इस तरह ही यह जदों होम मिनिस्टर सी अक्सर पौने दो साल इन्हां दी सरकार रही आ, इन्हां ने बुरज जवाहर सिंह वाले तो जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब का सरूप चोरी होया 1 जून 2015 नूं सबसीक्वेंटली पोस्टर लगे, बेअदबियां हुईयां लगातार, एक लड़ीवार सब कुछ होया। मैं पूछना चाहना कि बतौर होम मिनिस्टर तू इस नूं रोकण वास्ते की कोशिश कीती। तीसरा कि किसी भी प्रेमी के खिलाफ पंजाब पुलिस ने किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं लॉन्च की, केवल सिखां नूं ही टारगेट करके रुपिंदर ते जसविंदर ते चड्डे क्यों पाड़े गए, कि सुखबीर सिंह बादल जवाब दे सकता वा? जिन्नी देर तुहाडी सरकार रही तुसीं कोई जेन्युइन एफर्ट हुंदा, एक हुंदा एवें SIT बनाती जी, एक हुंदा वा कोई सीरियस एफर्ट करके तुसीं दोषियां नूं फड़न दी ते जिम्मेवारी फिक्स करन दी कोशिश क्यों नहीं कीती। तुसीं मैनूं इह दस्सो कि जिहड़ी कोटकपूरे अते बहबल कलां विच गोली चली, उस गोली विच तुसीं पुलिस वालियां दे नाम क्यों नहीं नामजद कीते? FIR तुहाडी सरकार पौने दो साल रही है, बहबल कलां च दो सिख नौजवान मारे गए सीगे, उन्हां दो आदमियां दा कतल होया, तुसीं अणपछाते बंदियां दे खिलाफ FIR दर्ज कीती रखी है। जिहड़ा अजीत सिंह, जिहड़ा जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन दी रिपोर्ट विच नाम बयान ते नाम दर्ज आ, जिहदे चूल्हे विच गोली वज्जी जदों कोटकपूरे सवेरे 6 बजे गोली चलाई गई पुलिस वल्लों, उहदे अजीत सिंह दे कहण दे उत्ते 307 दा परचा क्यों नहीं दर्ज कीता? सुखबीर सिंह बादल तुसीं होम मिनिस्टर सीगे। इत्थे बस नहीं, जिहड़ी CCTV फुटेज अगर जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट विच उस अपने कमिशन राही कढ़ा सकदे ने, जिहड़ी कोटकपूरे चौंक विच CCTVs लगे सी जिने सारे तथ मोहरे लांदे कि पुलिस ने गोली चलाई ते अजीत सिंह दे चूल्हे विच लगी ते किस तरह जबरन लाठीचार्ज करके ते पानी दीआं बुछाड़ां मार के ते अत्याचार करके कोटकपूरे चौंक चों मोर्चा उठाया गया, एक फर्जी कमिशन जस्टिस जोरा सिंह दा इहनां अखौती अकालियां ने भी बनाया सीगा, उन्हें CCTV फुटेज क्यों नहीं कढ़ाई? होम मिनिस्टर कौन सी उस वेले पंजाब दे विच? और FIR जिहड़ी दर्ज हुई कोटकपूरे की FIR पुलिस वालों दर्ज आ पब्लिक के उत्ते, नाले कुटिया नाले मारिया नाले औरतां नूं बेइज्जत किया, अजीत सिंह दे चूल्हे विच गोली मारी ते नाले परचा भी उन्हां लोकां दे उत्ते दर्ज सीगा। यह सुखबीर सिंह बादल तू दस सकदा वा कि की करतूत सी तेरी बतौर एक अखौती अकाली दे होम मिनिस्टर वजों? और इत्थे बस नहीं, लास्ट मैं पुछना चाहना, अखीरली गल करन लग्या, एक पासे कहिंदे जी असीं सिखां दी नुमाइंदा जमात आ, असीं बड़े पंथक आ, असीं बड़े धार्मिक आ, इन्हां नूं मैं पुछना चाहना कि जिहड़े बहबल कलां गोली चली ते कोटकपूरे गोली चली, और DGP सुमेध सिंह सैनी तुसीं लाया क्यों सीगा? जिस बंदे ने सिखां दे झूठे पुलिस मुकाबलियां विच मारिया चड्डे पाड़े, एक नहीं अनेकां ही, चलो इजहार आलम नूं छड्ड दिओ, आलम सेना वाले दी घर वाले नूं तुसीं मलेरकोटले तों MLA बनाया उह छड्ड दिओ एक मिनट वास्ते, DGP हुंदा टॉप पुलिस ऑफिसर, अकाली दल की सरकार होवे तो सब तो एंटी सिख अफसर नूं लभ के तुसीं पंजाब दा DGP लाया, और उसने अपने हल्फिया बयान जिहड़ा जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन दे रिपोर्ट दे विच आ जिहड़ी सप्लीमेंटरी फाइनल रिपोर्ट है इहदे विच उहदा एफिडेविट आ सुमेध सिंह सैनी दा कि 14 अक्तूबर की तड़के सवेरे 2 बजे पंजाब दे मुख्यमंत्री ने मैनूं फोन किया, कद नहीं किया जी उस दिन फोन, तो 14 अक्तूबर 6 बजे कोटकपूरे गोली चल गई, तो मुड़ के 10, 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे बहबल कलां विच दो सिख नौजवान मारे गए। कि यह काफी नहीं सी? यह जो कुछ घटनाक्रम वापरिया, जो भाणा वापरिया गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां, तुहाडे सेहत ते कोई असर नहीं होया? और तुसीं किड्डे ढीठ बंदे हो कि हले भी अपनी गल स्वीकार करन नूं तैयार नहीं गए, उत्थे जाके इलेक्शनां तों बाद फर्जी जोड़े भी झाड़े ने झूठे, जे तुसीं सच्चे मनों माफी मंगी हुंदी ना तां शायद तुहानूं सिख कौम माफ कर रही, तो सिखां दा गुरु नानक नाम लेवा दा माफी दा खाना बहुत वड्डा वा।
पर तुसी लोकां नूं चेडा करदे हो, तुसी टिचरां करदे हो, तुसी होर चढ़ाउंदे हो। लोकां ने तो फतवा देता तुहानूं 2017 दी असैंबली चोण विच, जिहड़ा अकाली दल कदी इन्नी बुरी तरह हारिया नहीं सीगा, तुहानूं सिर्फ 14-15 एमएलए दे लोकां ने लैंदा, होर तो ज्यादा की कर सकदे सीगे। इस करके जे तुसी समझदे कि इस हाई कोर्ट दे ऑर्डर दे नाल तुहानूं छुटकारा हो गया, तुहाडी गलतफहमी है। देखो दो तरह की कचहरियां ने, एक हैगियां ने आ जिहड़ियां अदालतां सरकारां दीआं बणाईआं होईआं, इत्थों तो तुसी बच सकदे हो। इत्थों तो सुमेध सिंह सैनी वर्गे ते होर सिखां दे कातल अज तक बची जांदे ने इन्हां अदालतां चों, तां जिहड़े इस देश दे लुटेरे ने, चाहे वह विजय माल्या है, चाहे वह नीरव मोदी है, चाहे वह इस देश दीआं अदालतां चों इंटरनेशनल चीट चार्ल सोबराज वर्गे भी बच गए सीगे, चाहे अज वह नेपाल दी जेल विच बंद आ, पर दूसरी अदालत हैगी उस वाहिगुरु की, उस परमात्मा की, लोगों की अदालत। लोगों की अदालत ने तुहानूं छेक दिता 2017 में 14-15 सीटां ते लैंदा, ते एक हले वाहिगुरु की अदालत का फैसला तुहाडे खिलाफ आएगा, अवश्य आएगा। देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं है उस अदालत में। इसलिए मैं समझदा कि हले भी समा कि यह जिहड़ा बादल का टब्बर, जिन्होंने पंथ तबाह करता, जिन्होंने अकाली दल तबाह करता, जिन्होंने SGPC तबाह करती, जिन्होंने अकाल तख्त साहब के जथेदारों ऐ बदलिया जिदा कपड़े बदलते होंगे, अपने हथ धो के बना के रखे, अज भी तुम जाके उ सच्चे मिनों पेश होके जे माफी मंग लोगे तो शायद तुम लोग माफ कर देंगे। लेकिन जे तुम आ गिदड़ भुपकियां मार के फर्जी चुनौतियां लोगों को मंगते हो, तो फिर आ तत्थ जे सारे मैं थोड़े सामने अज रख दते हैं। जे थोड़े च जान हैगी अकाल तख्त साहब पेश होके इन्हों गलों का जवाब दे दो, नहीं दे सकोगे तो लोगों को पहले ही पता वा कि तुम इन्हां सारियां घटनावां दे जिम्मेवार गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां दे, गुरु ग्रंथ साहब दे चोरी स्वरूप होण दे, बहबल कलां दे कतलां दे, कोटकपुरे दे फायरिंग दे, ते जो कुछ तुसीं बाकी लुट कसुट कीती उह सब लोग तुहानूं तुहाडे बारे अच्छी तरह जाणदे। और जे तुसीं ठीक समझदे मेरियां गल्लां ते इस नूं शेयर जरूर करना, ते जिहड़े पहाड़े दे टट्टू ने अकालियां दे इन्हां बादल दलियां दे, उहनां नूं मेरी वार्निंग आ, इहनूं इस पेज तों अवॉइड करिओ। अगर गाली क्लोज करोगे तो साइबर कैफे हैगा, तो परचे भी दर्ज होंगे ने, जिदा करवाने की तुहाडी अखौती अकाली सरकार, उहदा परचे असीं भी दर्ज करा सकते। माइंड योर लैंग्वेज, अवॉयड उन्हां लोगों नूं सुनिया जिहड़े इत्थे पहाड़े दे टट्टू भेजे होंगे, उन्होंने फेक IDs वाले, उन्होंने वास्ते आ। तुहाडा सारिआं दा शुक्रिया, उम्मीद करदा कि तुसीं मेरी गल नाल सहमत होवोगे, जिहड़ी कि बिल्कुल डेट वाइज और इशू बेस्ड और फैक्ट्स के उत्ते आधारित अज मैं तुहाडे नाल गल कीती। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।